ओके सो गुडविल के क्वेश्चंस पार्टनरशिप में हम कर रहे हैं. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2. तो एक बार जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते साइड में लिखने का. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स 4:3:2 रेशियो में. डी इज एडमिटेड, नया डी को अंदर लेके आए, फॉर 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स 3 लाख एज हिज कैपिटल. कैपिटल कितना आया बिजनेस में? 3 लाख ये कैपिटल लेकर आए एंड 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. अरे यहाँ पे क्वेश्चन में उसने दे दिया कि वो 1 लाख गुडविल का भी लेके आए. कई क्वेश्चन हम आगे करेंगे जिसमें वो बताएंगे नहीं कि गुडविल का कितना लेके आए, अपने को ढूंढना पड़ेगा. तो एक बार यहाँ दिया है तो ये इजी है, एक बार लिख लेते हैं गुडविल का 1 लाख लेकर आए. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू भी दे रहे हैं इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग, दिस इज ओल्ड रेशियो 4:3:2 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया 3:2:2:2:2. अब जर्नलाइज द अबव अरेंजमेंट इन द बुक्स. तो पॉइंट मेरा सिर्फ इतना है, जब ओल्ड रेशियो गिवन है, जब न्यू रेशियो गिवन है, सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, तो सैक्रिफाइस रेशियो. नया पार्टनर कभी भी बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लर्न करने बोला था. सैक्रिफाइस एस एस ओ एन बेटा, एस ओ एन बेटा लर्न करने बोला था. सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के बताओ, एक ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस, सी का सैक्रिफाइस. ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/4+3+2 4/9. बी 3/9 एंड सी 2/9. ठीक है ना, ये है ना सी 2/9. माइनस माइनस माइनस. ए का न्यू रेशियो कितना है? 3. देखो 3 आ रहा है ना, तो लिखो यहाँ पे 3+3+2 4/5/6/7/8/9. तो ये तो सामने सामने आ गया 2/9 2/9. बताओ मुझे किसका कितना. एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर 9 ही है. तो 4-3 1/9, 3-2 1/9. और इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, 2/9-2/9 is 0. तो ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है 1/9 1/9. इसका मतलब ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है 1:1. तो जो भी ये गुडविल आई है 1 लाख की, उस पे किसका हक है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, उस पे किसका हक है? जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है ना, उन्हीं का हक है. ये नहीं कि सबको न्यू रेशियो में काट दो, वो रॉन्ग हो जाएगा. तो सबसे पहले वो कैप, अच्छा एक चेक पॉइंट, कैपिटल का एंट्री सेपरेट होगा, गुडविल का एंट्री सेपरेट होगा, मिक्स नहीं करते. ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल सिर्फ कैश में जो लाया वो सेम करो, बाकी गुडविल काटने का एंट्री अलग करो. 3 लाख तो लाया कैपिटल का, 1 लाख लाया गुडविल का, एंट्री करो. बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बिजनेस में आ रहा है, जब भी बिजनेस में आता है पैसा तो कैश या बैंक डेबिट होता है. बैंक अकाउंट डेबिट मेरे साथ लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ मुझे देख रहे हो तो आपको कितना याद रहेगा पता नहीं. कितना पैसा आया? 3 लाख+1 लाख 4 लाख. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख. कैपिटल का कितना लाया? 3 लाख. अलग से नोट करो, 2 D's कैपिटल कितना लाया? कैपिटल का 3 लाख. एंड गुडविल का कितना लाया? 1 लाख. तो गुडविल के लिए, सिर्फ गुडविल नहीं, बेटर वे इज टू राइट 2 premium फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1 लाख. तो ये अभी जो पैसा लाया है उसकी एंट्री की गई है कि बैंक में टोटल नया पार्टनर 4 लाख लेकर आया, जिसमें से 3 लाख कैपिटल का था, 1 लाख गुडविल का था. बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू डीज कैपिटल 3 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख. एंड नरेशन में बीइंग
कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय डी, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला सैक्रिफाइस रेशियो, कहीं क्वेश्चन में बोला है निकालने को? नहीं बोला है, फिर भी हमने निकाला और हमको पता चला ए और बी ने ही सैक्रिफाइस किया है, तो गुडविल पे हक सिर्फ ए और बी का, इसमें सी को अंदर मत लेकर आना, उसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो अब उन लोग को कैसे दूं? यदि मुझे कोई चीज पार्टनर को देनी होती है, उसका कैपिटल क्रेडिट में ही पड़ा है, यदि मैं उन पार्टनर्स को फिर से क्रेडिट करूंगी तो उनका कैपिटल ऊपर आएगा, और मुझे देना है तो डेफिनेटली मुझे उनका कैपिटल क्रेडिट ही करना पड़ेगा। मैं वापस से बोलती हूँ, नेचर भी क्या होता है, सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल को ऊपर चढ़ाना है, किसी भी पार्टनर के कैपिटल को ऊपर चढ़ाना है, उसको क्रेडिट करो। तो लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो यहाँ पर आपने क्रेडिट किया है ना, उसको यहाँ पर वापस डेबिट में लाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। किसको मिलेगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल? सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सो टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल 1/9 और 1/9 यह दिख रहा है ना, इसका मतलब रेशियो कितना है, 1:1, दैट इज इक्वली। तो 1 लाख का आधा आधा करो, 50,000 50,000, तो ये जो 1 लाख आया वो ए और बी में बट जाएगा इन इक्वल रेशियो, 50,000 and 50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइस पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो, ठीक है। ये चीज समझ में आया, जो भी पैसा आता है उसको अलग अलग लिखना है, ये कैपिटल के तहत आया, ये गुडविल के तहत आया। फिर उसके बाद जो गुडविल है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज इस क्वेश्चन में 1:1 था। देने का तरीका क्या, उनकी कैपिटल को क्रेडिट करो। समझा क्या? देखो कैपिटल, यदि कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल क्यों लिखा है, अरे तुम दैट डजंट मीन कि कोई कैपिटल, इट मींस गुडविल के कारण तुम्हारा इन ए और बी का कैपिटल बढ़ा, क्योंकि इन लोग ने सैक्रिफाइस किया है तो आगे फ्यूचर में तो इनको बेनिफिट, मतलब हमेशा फ्यूचर में ये सैक्रिफाइस करेंगे, तो अभी तो इनको बेनिफिट दो ना उस चीज का, फ्यूचर में हमेशा सैक्रिफाइस करने वाले, तो अभी तो इनका कैपिटल बढ़ाओ तुम लोग, तो इसलिए ए की कैपिटल को बढ़ाएंगे बी की कैपिटल को बढ़ाएंगे, बिकॉज फ्यूचर में हमेशा ये इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो गुडविल जो है वो उन लोगों को देख के इक्वल रेशियो में गुडविल इन लोगों को देख के हम लोग इनकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, और हमेशा कैपिटल ही बढ़ाना है, गुडविल के नाम से एंट्री नहीं करना है। एक दो सम और करते तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं? अरे जवाब तो दो यार। हाँ मिस। ओके चलो एक दो क्वेश्चन और समझेगा कि कैसे करते हैं। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। अपना वर्किंग सम पढ़ते पढ़ते साथ में होना चाहिए। ए एंड बी 4:3, दे एडमिट सी इन द फॉर्म, सी आया, सी इज पेइंग प्रीमियम ऑफ 1,40,000, सी इज पेइंग प्रीमियम ऑफ 14,000 फॉर 1/5 शेयर ऑन प्रॉफिट, तो 1/5 शेयर इसका है, ये क्वेश्चन में देखो घुमा के बोला, एंड 14,000 प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड यूज किया है, कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया है, तो प्रीमियम किसका होता है, प्रीमियम तो हमेशा गुडविल का होता है, तो 14,000 का वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, पॉइंट इज दैट 14,000 का प्रीमियम
फॉर गुडविल लेकर आया है 14,000 का. एज बिटवीन देमसेल्व्स ए एंड बी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. अच्छा, ए और बी ने क्या बोला, मतलब ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 1:1 इक्वली, और सी तो 1/5 के लिए आया ही है. ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज, तो अभी सी देखो 1/5 के लिए आया है. मैं बोलती हूँ ये टोटल यदि 1 है, सबका टोटल 1 है, इसमें मैं 5 हिस्से करती हूँ. देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें 1/5 तो दे दिया तुमने सी को, तो पीछे क्या बचा, 1 - 1/5 4/5 बचा. इज दिस करेक्ट? 1 में से 1/5 गया तो 4/5 बचा. 4/5 को ये लोग इक्वली बांटेंगे, यानी कि दो लिखा है ना कि एज बिटवीन देमसेल्व्स ए एंड बी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो दो तो ले लेगा ए और दो तो ले लेगा बी. ये बात सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब मैं डायग्राम से ही आंसर निकाल दी कि ए ए अभी क्या करेगा, 2/5 मिलेगा इसको. ये देखो सामने 2, टोटल 5 था, ए को 2/5 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा, और सी को कितना मिलेगा, सी तो सामने सामने है ना, 1/5. तो ए को 2/5, बी को 2/5 और सी को 1/5. तो कैन यू फाइंड नाउ दिस इज द न्यू रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो इज 4:3. कैन यू प्लीज फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो. मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ तुमको, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. सो व्हेन आई से सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का सैक्रिफाइस निकाल के बताओ. ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 4+3 = 7, 4/7. बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/7. न्यू रेशियो कितना है, ए का न्यू रेशियो कितना है, अभी देखा 2/5. इसका न्यू रेशियो है और बी का न्यू रेशियो 2/5. एलसीएम निकालना पड़ेगा, राइट? 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 20, माइनस 5 × 7 = 35, 7 × 2 = 14, 20 - 14 = 6 / 35, एंड 7 × 5 = ये देखो 35, 7 × 5 = 15, माइनस 5 × 7 = 14, 15 - 14 = 1/35, तो 6 और 1 आ रहा है. तो जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो कितना मिला, ठीक है? तो अभी कैपिटल का तो उसमें कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं कैपिटल की एंट्री कहां से करूं? मैं प्रीमियम की एंट्री करके दे देती हूँ. 14,000 वो प्रीमियम के लिए लाया है. कुछ भी बिजनेस में पैसा आ रहा है तो मेरे को तो बैंक को डेबिट करना ही है ना, तो मेरी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. कितना, 14,000 गुडविल, गुडविल के लिए लाया 14,000, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल यदि कैपिटल का भी बोला होता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, पर वो नहीं है केस. अब ये 14,000 पे किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे क्रेडिट में पड़ा होता है उसको घुमा के वापस से डेबिट में करो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको दूं, ए और बी को देना है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 6:1. सो टू ए कैपिटल
ए की कैपिटल बढ़ाई क्योंकि आगे हमेशा वो सैक्रिफाइस करने वाला है, टू बी इज कैपिटल, सिक्स प्लस वन होता है सेवन, तो ए का हिस्सा कितना होगा, सिक्स बाय सेवन इंटू 14,000, सेवन टू 2,000, सिक्स टू जार 12, ये 12,000 आ रहा है, चेक कर लो तुम लोग, एंड ये 2,000 आ रहा है, ये कैलकुलेट करने आता है ना, देखो 6 प्लस 1 7, तो 6 बाय 7 इंटू 14,000 और ये 1 बाय 7 इंटू 14,000, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ये बांटा गया ए में और बी में, गुडविल का जो प्रीमियम है ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 में लेके निकल पड़े अपने, अरे नहीं इन बेचारों ने, इसने देखो ना, इसने ए ने इतना सारा सैक्रिफाइस किया तो अभी उसको गुडविल का हिस्सा देने बनता है, आगे फ्यूचर में हमेशा 6/1 तो सैक्रिफाइस इसी का ही है, तो आप किस हिसाब से 4:3 में काटेंगे, रॉन्ग है वो, इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो ओनली, अंडरस्टूड, शुड आई गो अहेड, यस मिस, ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ ना 4 सम तक समझ में आएगा, देखते हैं क्या होता है अभी, चलो नेक्स्ट सम, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, कितना भी क्वेश्चन में लिखा हो बच्चे आप लोगों को खुद को अपने हाथ से लिखना है, ए एंड बी 2:1 लिखो साइड में, ए एंड बी 2:1, सी एंड डी आर एडमिटेड, दो जने साथ में आ रहे हैं, सी एंड डी आर एडमिटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स, ये ओल्ड था अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दिया है 4:2, 2:3:1, दो साथ में आ रहे हैं, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, बोला किसका गुडविल, इसका मतलब ये जो 2 लाख है ना ये पूरे फॉर्म का गुडविल है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, ठीक है, डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, अब बोला भी नहीं कि कितना गुडविल लाना है डी को, वर्ड क्या यूज किया है, डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 फॉर कैपिटल, तो डी का गुडविल तो तुम ढूंढते रहो, ठीक है, एंड 50,000 वो कैपिटल का लाया है, जो क्वेश्चन बोल रहे मैं तो सिर्फ लिखती जा रही हूँ एक बार, डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, सी ब्रिंग्स रुपीज 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एंड इज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर कैश, बहुत लंबी कहानी है, तो हम लोग पहले डी का ही बात कर लेते हैं ना एक बार, सबसे पहले देखो पूरी फॉर्म का गुडविल कितना है, ये इन्होंने बोल दिया 2 लाख, फुल फॉर्म का गुडविल 2 लाख है, यहां तक तो सही है, डी कितने किस शेयर के लिए डी आ रहा है, देखो 4:2, 2:3:1 ऐड करो, 4+2, 6+3, 9+1, 10, तो डी 1/10 के लिए आ रहा है, ये बात सही है, तो 1/10 ऐसे क्वेश्चन है, हाँ बोलो मिस्टर गुडविल, अगर मेंशन नहीं किया है कि बिफोर एडमिटिंग पार्टनर्स है या आफ्टर, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग को उसी को बेस लेके चलना है कि बिफोर जस्ट बिफोर द एडमिशन गुडविल का वैल्यू 2 लाख यदि है और डी 1/10 शेयर के लिए आ रहे हैं तो उसको 2 लाख का 1/10 उतना लेके आना ही पड़ेगा, करेक्ट है, तो 2 लाख का 1/10 डी को लेकर आना चाहिए, पूरे फॉर्म का गुडविल 2 लाख है और 1/10 उसका हिस्सा है, तो आइडियली उसको कितना पैसा गुडविल का लेके आना चाहिए, 20,000, अब जब वो कैपिटल का 50,000 ला रहा है, गुडविल का वो उसको 20,000, इन्होंने बोला ही नहीं कितना, बस रिक्वायर्ड गुडविल लेकर आएगा और 50,000 कैपिटल वो कैश लेकर आएगा, तो अब मैं ढूंढती बैठू कितना, तो मैंने ढूंढा 20,000, कैसे ढूंढा, पूरे फॉर्म का गुडविल का वैल्यू 2 लाख गिवन है तो, और उसका नया हिस्सा 4+2+3+1 10 1/10 है, तो 2 लाख का 1/10 20,000, तो फर्स्ट एंट्री तो मेरा बैठ जाता है, पैसा ले लो बैंक अकाउंट डेबिट 2D's कैपिटल, मिस मुझे क्वेश्चन है, हाँ बोलो, हम लोग
तो इसके पहले वो एंट्री नहीं पास करेंगे जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं। पहले पैसा लेने की एंट्री होगी ना बेटा, पहले पैसा लेंगे ना, जो वो पैसा लाया है, जो वो पैसा लेकर आया है, पहले वो तो लो कि कौन कितना पैसा लेकर आया है। उसके बाद जस्ट 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 वॉच फॉर दिस क्वेश्चन, ओके? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, कैश या बैंक, कुछ भी, जो भी बोलेंगे। हम लोग वो बेसिक रूल जो इंडिया में फॉलो होते हैं, हम वो करते हैं, 50,000 का ट्रांजैक्शन के ऊपर हो तो बैंक के थ्रू एंट्री करो। तो वो चीज समझ के हम बैंक के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कैपिटल के लिए वो कितना लाया है, 50,000। गुडविल का मैंने खुद ने निकाल लिया 20,000। 50 + 20 70, तो बैंक में 70,000 आया है। यहां तक किसी को तकलीफ है कि मुझसे 70 कैसे आया, तो बोलो अभी। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई पार्टनर डी की। अब हम आते हैं सी पे। सी भी तो नया एंट्री है फॉर्म में। सी ब्रिंग्स 50,000 एज कैश, ठीक है, 40,000 एज स्टॉक लिखा है ना यहाँ पे। सी ब्रिंग्स 50,000 एज कैश, 40,000 वर्थ स्टॉक एंड इज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। सी की गुडविल बताई, क्वेश्चन में सी की गुडविल भी नहीं बताई है। तो अब तुम खुद मुझे बताओ सी की गुडविल कितनी होगी। यदि फर्म की गुडविल 2 लाख है, सी का शेयर 3/10 है, कितनी गुडविल होनी चाहिए? सी शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल 2 लाख, सी का शेयर 3/10, 60,000 आता है ना ये, तो 60,000 गुडविल का सी को लाना चाहिए। तो सी 50,000 तो कैश में लाया है और 40,000 स्टॉक, तो 50 + 40 कितना होता है? 50 + 40 कितना होता है? 100 अरे 90,000 90,000 हुआ ना, तो नहीं मतलब 50,000। तो देखो बैंक में कितना लाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इधर ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट, एक मिनट के लिए रोका है मैंने, स्टॉक भी लाया, 40,000 का स्टॉक भी लाया। चलो चाहे स्टॉक लाए चाहे कोई भी एसेट लाए, एसेट जब मेरी बिजनेस में आएगा तो मैं उसको डेबिट ही करूंगी ना, तो मैं वो ही कर रही हूँ। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 लाया, बैंक का एक सेकेंड रोका है मैंने, बैंक 50,000 कैश उन्होंने बोला है कि लाएगा, तो चलो मैं ब्रैकेट में एक बार 50,000 कैश तो इन्होंने बोला ही है, तो वो तो उसको लाना ही है, लेकिन गुडविल का भी तो पैसा लाएगा। कैपिटल कितना हो रहा है यहाँ पर, मुझे लिखना है टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों ही लेकर आएंगे ना। सिर्फ कैपिटल में हम कैसे सेटल हो जाएं, हमको तो गुडविल का भी चाहिए ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल तुमने खुद ने खोजा 60,000, तो लिखो ये 60,000 इधर। तो सी ने कितना लाया, 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक, तो 50 और 40 तो लिखा तुमने, एंड हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल का भी तो पैसा कैश में लाया है, तो ये 50,000 तो लाया ही लाया है। देखो ये इंग्लिश है, मतलब सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, एंड हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल भी तो कैश में लाया है, इन कैश लिखा है इन्होंने, और गुडविल 60,000 की है, तो गुडविल का भी पैसा कैश में आया है 60,000, और 50 तो इन्होंने बोला ही था, और जो स्टॉक 40 का लाया था लाया ही था। तो
60,000 गुडविल का पैसा आया, 50,000 जो इन्होंने बोला इन कैश आया, 60 + 40 110,000। ढंग से कैपिटल नहीं दिया, लेकिन अब तो हम निकाल सकते हैं ना, डेबिट में पड़ा है 110,000 प्लस 140,000, कितना 150,000 माइनस क्रेडिट का 60,000, तो 150,000 माइनस 60,000 कितना होगा, सी का कैपिटल मिल गया 90,000। तो ये थोड़ा गोल गोल करके अपने को निकालना पड़ा था कि बैंक में 50,000 दिया, स्टॉक 40,000 दिया, लेकिन गुडविल भी कैश में लेकर आया, तो मैं बैंक में लिखूं कितना, पहले मुझे गुडविल का मतलब वो फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गुडविल 60,000 है और लिखा है गुडविल इन कैश, तो वो 60 मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और फिर दोनों का टोटल करके 60 माइनस करके मुझे कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर लाना पड़ेगा। अभी जो ये गुडविल है, ये गुडविल को किस में बांटे, ये वाला जो गुडविल है ये गुडविल को किस में बांटे इज माय क्वेश्चन। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी पार्टनर्स है, मुझे सैक्रिफाइस रेशियो कोई निकाल के बता सकता है, सी और डी अंदर आए। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात तो आपकी सही है एकदम, आया कैसे, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 2/3, ये है ना 2+1 3, एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, न्यू रेशियो कितना है बताओ तो, ये 4 है और इसका टोटल 10 है तो 4/10, एंड इसका बी का अपना 2/10। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, क्या तुम लोग सबको 2:1 आ रहा है क्या, चेक करो। आप ये वापस समझा सकते हो प्लीज? हाँ अच्छा समझा सकते, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना ना। ओके, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2+1 2/3 ए का, एंड बी का कितना है 1/3, और न्यू रेशियो 4+2+3+1 10, तो ए का है 4/10, बी का है 2/10। अब एलसीएम लो, 3 और 10 का एलसीएम लो, 30 आएगा बेटा, 3 10s are 30, 10 2s are 20, माइनस 10 3s are 30, 3 4s are 12, 20 - 12 is 8/30, पढ़ा रहने दो इसको। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 30, 3 10s are 30, 10 1s are 10, माइनस 10 3s are 30, 3 2s are 6, 10 - 6 is 4/30, तो नीचे नीचे 30 है तो रेशियो मिला 8:4, 8:4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 2:1 इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मुझे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमेशा। ये जो देखो ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्रेडिट में पड़ी होती है ना, नेक्स्ट एंट्री में इसी को खींच के हम सबसे पहले डेबिट में डालते हैं, तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना है गुडविल का प्रीमियम, यहाँ पे 20 भी पड़ा है और यहाँ पे दो पार्टनर्स है, 20 भी है और 60 भी है, ठीक है, तो 80,000 का गुडविल है, सिर्फ 60 लेके एंट्री मत करके आ जाना, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो 20 और 60 80, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल, एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 2:1, 2:1, 80,000 को 2:1 में काटो कितना आ रहा है, 5
3333 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी एंड 2 6 6 6 7 6 6.66666 है तो 5 से ऊपर है ना तो नेक्स्ट ले लो 7 एंड जैसे 5333.33 था तो 50 पैसे से कम है तो ले लो 5333 दिस वॉज वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें दो पार्टनर्स एक साथ एंट्री मारे उसके बाद कोई कैपिटल का तुम लोग को नहीं दिया ये समझ में एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे ना फटाफट होएगा